थांबा थांबा गणपती बाप्पा जानते होंगे कि मानव का पहला आदर्श बंदर।
मोई तो तुम्हाला 20 रुपये पाव।
तर सगळ्या भाज्या पावपाव किलो. वा 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 ताई, तुम्ही तर सगळ्या माझ्या भाज्या घेतला ते पण पावपाव किलो. तुम्हाला गणपती बाप्पा पावे का? हे घ्या कापडी पिशवी. द्या कापडी पिशवी. आता मी कुठून आणायची कापडी पिशवी? तुझ्याकडे असेल ना ती प्लास्टिकच्या पिशवी. ताई आम्ही प्लास्टिक नाही ठेवत. अरे प्लास्टिक तर बंद झालं दाखवायला. हो की नाही? प्लास्टिक तर दाखवायला बंद झालंय. सगळ्या भैया लोक तर प्लास्टिक वापरतात. तुझ्याकडे पण असेल हवी. ताई तुम्ही मला भैया म्हणून लाजवू नका. बघा कसं आहे की प्लास्टिक वर जेव्हा बंदी आली ना तेव्हापासून आम्ही प्लास्टिक ठेवायचा बंद केला. तू मला प्लास्टिकची पिशवी नाही देणार. आता नाही आहे तर कुठून देणार? तुझ्याकडे प्लास्टिकची पिशवी नाहीये. ताई खरं सांगतो, गणपती बाप्पाची शपथ घेऊन नाही आहे माझ्याकडे प्लास्टिकचा. बरं. ओ भैया, तुम्हाला ना प्लास्टिकचा खाली आहे का? हा हा हे तू मर असाच. अरे नका घेऊ, नका घेऊ माझ्याकडून भाजी. नाही ठेवणार मी प्लास्टिकचा पिशवी. काय होणार? पुन्हा प्लास्टिक येणार. पुन्हा पावसात 26 जुलै सारखी परिस्थिती येणार. पुन्हा मुंबई तुंबणार. अरे असंच जर करत राहिलो तर कशी होणार मुंबईच्या काचा? रह सकते हैं. और उस्ताद, मुंबई के अब तक की जनगणना 1,40,00,000 लोग मुंबई में दिन भर रहते हैं और 85-7 लाख लोग मुंबई में आते जाते रहते हैं. मुंबई के डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचने का काम मुंबई महानगर पालिका घन कचरा व्यवस्थापन करता है. हाँ, पर ये सब कैसे और कहाँ होता है? उस्ताद, मुंबई महानगर पालिका के 4 डंपिंग ग्राउंड है. कितने? 4. अरे 6 जो की मुलुंड, गोराई, किंचोली और कैलू पर. यहाँ पर सब कचरा और मिट्टी महानगर पालिका की गाड़िया और ठेकेदारी की गाड़िया डालती है. पर्यवेक्षक 2-3 पर्यवेक्षक 17-20 कनिष्ठ आवेक्षक मुकदम से काम कर लेते. पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की सेवा में सिर्फ 28,000 कर्मचारी क्यों? इसीलिए मुंबई महानगर पालिका चकाचक मुंबई के लिए एनजीओ अपॉइंट किया है. एनजीओ सुनो, एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. गली कूचे, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग डब्बे में रखना जरूरी हुआ है. शाबाश मेरे बादशाह, ये सब जानकारी के लिए, मेरे जमुरे के जानकारी के लिए बचाओ ताली. धन्यवाद, धन्यवाद. जमुरो,
इस इंसान का नेटवर्क कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, ऐसा नहीं लगता? उस्ताद, वो बहुत लंबी रास्ता है। उस्ताद, ना पूछो तो ही सही। पापा, मेरा तो फर्ज बनता है ना। अरे हम में इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? है है, पूछो पूछो, हम भी जानना चाहते हैं, पूछो ना उसको। हाँ उस्ताद। बेटा खुश नहीं, तुम अपना काम करो, काम करो। क्या हुआ पापा, बोलो ना, क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हो? बेटा बताने से बात कोई दिल का बोझ हल्का नहीं होता, तुम जाओ अपना काम करो, काम करो। क्यों पापा, क्यों, बताओ ना, मैं आपकी बात सुनूंगी, मेरे तो जमुने सुनेंगे, अगर हो सका तो ये सब लोग सुनेंगे आपकी बात। बोलो पापा, बोलो। तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ पापा सुनूंगी। तुम सब मेरी बात सुनोगे? हाँ सुनेंगे। तो सुनो, आज से 13 साल पहले 26 जुलाई 2005 का वो दिन था। हाँ, उसी दिन मैं और मेरा परिवार हाजी अली बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे हमारे स्कॉर्पियो गाड़ी से। बहुत बारिश हो रही थी, दादर से हिंदू माता तक जाते जाते सब पानी पानी भर चुका था। म्युनिसिपालिटी के लोग कतार लाने में खड़े थे, लोगों को राह दिखा रहे थे। मैं भी उनके साथ गया, मैं भी गाड़ी से उतर कर पानी में उतर गया और लोगों को राह दिखा रहा। मैडम जी, हाँ थोड़ा साइड, भाई साहब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ यहाँ पे गड्ढा है, गड्ढा है, बाजू हटो। लेकिन वो लोग कतार में अटके वो प्लास्टिक निकाल रहे थे। मैं भी उनके साथ गया, प्लास्टिक निकालता चला गया। लेकिन बारिश बढ़ने लगी, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी गाड़ी ऑटो लॉक हो चुकी थी। अरे गाड़ी क्यों नहीं खुलती? गाड़ी में मेरा परिवार था, मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा था, मेरी बूढ़ी माँ थी। ओ भाई साहब मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, भाई साहब बचाओ ना, भाई साहब। प्लास्टिक से राक्षस ने मेरा सारा परिवार खत्म कर दिया था। बाद में उस गाड़ी को निकाल दिया, लेकिन मेरा परिवार कुछ नहीं बचा। इसीलिए मैं इस मुंबई का नागरिक होने के नाते आज से प्लास्टिक हटाऊंगा। मैंने कसम खाई है, मैं सब मुंबई का प्लास्टिक हटाऊंगा। मैं मुंबई को स्वच्छ रखूंगा, मैं मुंबई को स्वच्छ रखूंगा। स्वच्छ भारत अभियान लागू किया है। सही है, तुम जरूर जाओ मेरे भाइयों।
आज से कचरा फेंकना छोड़ो, कचरा फेंकने वाले को मैं हमारा मदद समझेंगे। हम हमारे मदद समझेंगे। तो आओ साथियों, आज हम शपथ लेते हैं।